पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में दीनानाथ शुक्ल उर्फ अमिताभ के द्वारा लिखित पुस्तक धुंधलका कविता संग्रह के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें प्रोफेसर अनंत मिश्र, रविन्द्र श्रीवास्तव उर्फ जोगानी भाई, प्रोफेसर रामदरस राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा दीनानाथ शुक्ल के पुस्तक धुंधलका का विमोचन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुस्तक के रचयिता दीनानाथ शुक्ल उर्फ अमिताभ ने कहा, बड़ी है। हम चाहते हैं कि इस महानगर के, इस अंचल के सभी मंच, हम नहीं कहने जा रहे हैं कि इस मंच के साथ जुड़कर, यह भी नहीं कहने जा रहे हैं कि यह मंच सभी के साथ अलग अलग होकर, बल्कि समवेत ढंग से हम अपनी विरासत को पहचानने का प्रयास करें। बहुत उर्वर यह क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गोरक्षनाथ से लेकर कबीर से होते हुए और आज पंडित दीनानाथ शुक्ल तक सभी हमारे ध्यान में हैं। इस विरासत को समेटने का कार्य हम करना चाहते हैं और साथ ही नया कुछ लेकर आना भी चाहते हैं। इसी अनुक्रम में हमारी भी इच्छा थी और कवि की इच्छा हुई इस मंच से जुड़कर उनकी किताब का लोकार्पण संपन्न हो। यह मेरा सौभाग्य है कि हमारी पिछली दो कृतियों अंतर्ध्वनि दिव्यांगना का लोकार्पण इसी प्रेस क्लब में सुसंपन्न हुआ। इसकी पहले की रचना ज्ञानोन्मुखी रही है, कतिपय अव्याख्य कारणों से उसका लोकार्पण नहीं किया जा सका, लेकिन वह पुस्तक ऐसे व्यक्ति के प्रति है जो विश्व प्रसिद्ध हैं। आचार्य गोविंद चंद पांडे न केवल भारत के बल्कि 20वीं सदी के जाने माने विचारकों में से हैं। ज्ञानोन्मुखी उन्हीं के जीवन पर केंद्रित है और उसमें बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित तमाम कविताएँ हैं और बौद्ध धर्म दर्शन के भी एक प्रकार से अधिकारी विद्वान भी माने जाते हैं। दिव्यांगना में मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिव्यांगना कहाँ किसे जाए। मान लिया कोई चरित्र की नारी ठीक न हो, रूप से सुंदर हो, तो क्या उसे दिव्यांगना कहेंगे। पश्चिम के प्रभाव से जो विभिन्न चैनलों से भारतीय संत प्रहार किया जा रहा है, उससे आप सभी लोग आहत हैं। ऐसी स्थिति में हमने दिव्यांगना में यह निष्कर्ष निकाला है कि वस्तुतः जो जिस जिसके व्यक्तित्व में रूपगत, भावगत और कर्मगत तीनों प्रकार का सौंदर्य संपिंडित हो, वह दिव्यांगना कही जाएगी। दुर्लभता की जहाँ तक बात है, एक कहावत अंग्रेजी में डार्केस्ट बिफोर डॉन, जब कुछ होने वाला होता है तो इसके पहले बड़ी करारी अंधेरी छा जाती है, उसका चित्र इसमें नहीं है उतना, लेकिन इसका है कि धुंधलका जो है बड़ा रहस्याच्छन्न छंद है। आप सांझ बेला में कहीं जाइए, कुछ बहुत साफ नहीं दिखाई देता, कुछ दिखाई देता कुछ नहीं दिखाई देता, तो चाहे गांव का धुंधलका हो, चाहे शहर की गलियों का, सड़कों का धुंधलका हो, चाहे विश्व में आए दिन जो तनाव की बातें देखी जाती हैं कि कब न्यूक्लियर वार हो जाए यह कहा नहीं जा सकता, तनाव व्याप्त हैं आसमान तक, उस प्रकार की धुंधलका है। मैं नहीं कह सकता कि मेरी धुंधलका नामक काव्यकृत में जो अभी अभी छपी है, या इसमें व्यक्तिगत जीवन की धुंधलका है, या इसमें सामाजिक धुंधलका है, अथवा भूमंडलीयता का धुंधलका है, ये तो जो पाठक हैं, सुधी पाठक, वही इसको बता सकेंगे।